हेलो गाइस, ये वाईजी लॉ और आज हम पढ़ेंगे डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 403 और 405। इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है तो इन दोनों चीज़ों को हम साथ में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403 बोलता है, हुएवर डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए, इसको समझने के लिए हम थेफ्ट और इसमें डिफरेंस देखते हैं, उससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें और थेफ्ट में डिफरेंस क्या है? सबसे मेन डिफरेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो है कि जो डिसऑनेस्टी है ना, इसमें भी डिसऑनेस्टी है, थेफ्ट में भी डिसऑनेस्ट है, जो मेंसरिया है डिसऑनेस्टी वाला, वो आदमी के दिमाग में आता है इस ऑफेंस में प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में आने के बाद, और थेफ्ट में वो पहले से होता है। मान लो ये पर्सन ए है, ठीक है, ये पर्सन ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है पी, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी और थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये दूसरा पर्सन है, अगर ये पहले से ही सोच के बैठा है मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी है डिसऑनेस्टली, और फिर जाके वो इसकी कंसेंट के बिना लेता है, तो थेफ्ट है। लेकिन 403 के अंडर में ये प्रॉपर्टी पहले ही इसके पोजीशन में आ जाती है, ठीक है, इलीगल मीन्स से नहीं, लीगल मीन्स से इसके पोजीशन में आ जाती है। और जब इसके पोजीशन में आ जाती है, उसके बाद इसके दिमाग में आता है कि अरे मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ अपने फ़ायदे के लिए। समझ रहे हो, जो मेंसरिया है ना, जो डिसऑनेस्टी है, वो कब आ रहा है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सेक्शन 403 लगेगा या थेफ्ट लगेगा। दूसरा डिफरेंस है कि थेफ्ट में कंसेंट नहीं होती है, मिस अप्रोप्रिएशन में कंसेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती? अब मान लो कि मैं मेरी बाइक देने जा रहा हूँ सर्विसिंग पे, अब मैंने वहाँ पे मेरी कंसेंट से बाइक सर्विस पे दी है और पोजीशन में उसके पास आ गई, लेकिन जब उसके पास पोजीशन में आ गई तो उसके दिमाग में आया कि अरे यार मैं इस बाइक को किराए पे चढ़ा देता हूँ, और वो किराए पे चढ़ा के उसका यूज़ कर रहा है और फिर मेरे को बाइक रिटर्न कर देगा, तो इसमें कंसेंट थी। लेकिन मान लो मैं रोड पे जा रहा हूँ और मेरे को पैसे मिल गए या मेरे को वॉलेट मिल गया, मैंने वॉलेट उठा लिया कि अरे यार किसी को दे दूंगा जिसका भी है बाद में, और मेरे को दिख भी गया उसमें आईडी वाईडी किसकी है बंदे की, और मैंने बाद में सोचा कि नहीं यार मैं नहीं देता हूँ, तो मेरे पोजीशन में वॉलेट जब आया उसके बाद मेरे दिमाग में डिसऑनेस्टी आई। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि थेफ्ट में कंसेंट कभी होती ही नहीं है, लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन में कंसेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और एक और बात मिस अप्रोप्रिएशन के बारे में कि मिस अप्रोप्रिएशन टेम्प्रेरी पीरियड के लिए भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बाइक वाला एग्जांपल दिया था, बाइक मैंने जाके उसको सर्विस पे दी और उसने यूज़ कर लिया और लौटा दी। अब वहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए हुआ है, उसने मेरे को प्रॉपर्टी वैसी की वैसी वापस लौटा दी, लेकिन वो थोड़े से टाइम का जो मिस अप्रोप्रिएशन है ना, वो भी कवर्ड है सेक्शन के अंडर, वो भी 403 के अंदर पनिशेबल होगा। तो ये हो गया मिस अप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट बात आती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बोलती है, हुएवर बीइंग इन एनी मैनर इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, इंटरेस्टेड एक इंपॉर्टेंट चीज है, और विद एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी, डोमिनियन मतलब एक तरह से कंट्रोल दे देना, ओनरशिप नहीं छोड़ी है, पोजेशन भले नहीं छोड़ा हो लेकिन एक कंट्रोल दे देना दूसरे इंसान को, मतलब वही इंटरेस्टमेंट वाली बात हो गई। डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट्स, अब इसमें भी मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, इंटरेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्टमेंट बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस इंटरेस्टमेंट की वजह से एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्रिएट हो जाती है दोनों के बीच में। और इस ऑफेंस में भी डिसऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल लो। और सबसे बड़ी बात, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा है मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं, तो ये सारी प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होगा। जो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन है वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सारी प्रॉपर्टी के लिए होता है, और इसमें इंटरेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टमेंट से आप क्या समझें, इंटरेस्टमेंट मतलब ट्रस्ट के बेसिस पे आपने किसी को कुछ दिया, ए पर्सन है, उसने बी पर्सन को बोला कि मैं तेरे को हर महीने कुछ पैसे भेजूंगा और वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना, और वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना इसका इंटरेस्टमेंट है ए का बी की तरफ, ठीक है, कि हाँ भाई मैं पैसे भेजूंगा और वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर देगा। अब बी मान लो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करके खा जाता है पैसे, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, ठीक है। अब ए ने बोला है कि जो शेयर्स है ना, ये सिर्फ सी कंपनी के होने चाहिए, इसके अलावा और कोई कंपनी के शेयर्स मत खरीदना, लेकिन बी को दिखता है कि अरे यार ये सी कंपनी के शेयर तो गिरने वाले हैं, और वो इसका फ़ायदा देखते हुए, मतलब डिसऑनेस्टी के बिना, शेयर्स खरीद लेता है जेड कंपनी के, और जेड कंपनी के शेयर खरीदने के बाद भी वो कंपनी भी पूरी की पूरी डूब जाती है और पूरा का पूरा लॉस हो जाता है ए को। तो इस केस में भी ए को लॉस तो हुआ है प्रॉपर्टी का, ट्रस्ट भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन बी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, तो डिसऑनेस्टी के एब्सेंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। तो समझ रहे हो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस, वैसे इंटरेस्टमेंट का डिफरेंस है।
अब गाइज मैं जो भी आपको सेक्शंस पढ़ा रहा हूँ, जैसे देखो 403 के बाद 405 जंप मारा है डायरेक्ट, 404 नहीं पढ़ाया, तो ऐसे में कुछ सेक्शन बीच बीच में छोड़ता जा रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मैं हर सेक्शन में घुसूंगा और वो सेक्शन पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में, तो कोई मतलब नहीं है। ये जो सारे ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले हैं ना, इनमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन के चांस ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो अगर आपको सेक्शन पढ़ने हैं, वैसे पढ़ने ही चाहिए, एक बार जाके रीडिंग तो आपको आईपीसी में मार ही लेना, और इलस्ट्रेशंस देख लेना। इलस्ट्रेशंस देखोगे ना आपका सब क्लियर हो जाएगा, जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो में, और बाकी इलस्ट्रेशन से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइज ये वीडियो भी हो गया है हमारा कंप्लीट। अगर आपको सब्सक्राइब करना है, जो कि करना चाहिए लेजिट, अगर आप पढ़ रहे हो एंड तक, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा लगा वीडियो तभी एंड तक देखा। और इंडियन पिनल कोड के बाकी वीडियो देखने तो यहाँ देख लो, वो देख के सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अभी विश्वास नहीं हुआ है मेरे पे। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।